अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैट्स एंड बर्ड्स क्लब। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, कि बहुत से जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, वो बहुत से क्वेश्चंस करते हैं, उनको मैं कमेंट में भी रिप्लाई करता हूँ। और मेरे जहन में, माइंड में एक आइडिया आया था कि वो मैं क्यों ना आपके साथ क्वेश्चन आंसर शेयर करूँ, ताकि वो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पर्शियन कैट्स के बारे में वो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि हमने न्यू किटन बाय किया है, तो अब उसको क्या देना है, अब हम इसको क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं। तो सबसे पहले ये है कि आपने जिससे बाय किया है उसे पूछना है कि आप उसको क्या खिला रहे हैं, यानी कि उसका जो ऑनर था पहले वाला, वो उसको क्या खिला रहा था। तो इस तरह फिर आपने उसको वही चीज़ डालनी है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो मर्ज़ी की चीज़ है ना वो डालनी है। तो ये नहीं करना कि अगर किटन लेके आए हैं और उसको टोटली अपनी तरह की आपने फीड डाल दी है जो उसने पहले कभी नहीं खाई, तो इससे किटन बीमार हो जाते हैं। फिर आप उन्हीं को शिकायत करते हैं कि आपने बीमार किटन दिया, हालांकि उन्होंने ठीक किटन दिया होता है, लेकिन बीमारी आपकी वजह से आ जाती है। तो उसके ऑनर से पूछा करें कि इसको क्या दे रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक किटन बाय किया, तो मैंने उसे उसके ओनर से पूछा कि अब भाई आप इसको क्या दे रहे हैं, तो उसने बोला कि मैं इसको कैट फीड दे रहा हूँ। तो अब मैंने किटन को कैट फीड तो नहीं थी खिलानी, तो फिर मैंने क्या किया, एक कैट फीड लेके आया, थोड़ी सी कैट फीड डाली किटन को और थोड़ा सा अपने वाला खाना जो सा ना वो डाला इसको, यानी कि बॉयल चिकन जो सा था वो उसने पहले कभी नहीं खाया था, तो मैंने थोड़ा सा बॉयल चिकन उसको डाला। आहिस्ता आहिस्ता फीड की क्वांटिटी, फीड की मकदार कम करता गया और चिकन की मकदार ज़्यादा करता गया, डे बाय डे, दिन बाय दिन, और एक हफ्ते में वो टोटली चिकन पे आ गया। इस तरह उसका पेट भी ख़राब नहीं हुआ। तो आपने भी ये करना है कि पहले उसको पूछ लेना कि वो ओनर कैट को क्या दे रहा है। अगर वो चिकन दे रहा है और आप टोटली फीड पर लगा देंगे तो इससे भी वो किटन बीमार हो जाएगा। तो ये चीज़ लाजमी आपने देखनी है। दूसरे नंबर पर आपने ये करना है कि जब कोई किटन लेके आए हैं, अगर आपके पास पहले से कोई कैट्स है, जैसे ये मेरे पास कैट्स हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी बैकग्राउंड में, तो अगर मैं कोई नई कैट लेके आता हूँ तो उसको अचानक ही एकदम से इनके सामने नहीं छोड़ देना, इस तरह वो फाइट हो जाती है, वो पहले ही डरी होती है, अपनी जगह से हटी होती है। तो जब कोई कैट अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह पर जाती है तो वो नर्वस हो जाती है, टेंशन में आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है। तो इस तरह अगर वो आप आते सार ही उसको दूसरी कैट्स के साथ छोड़ेंगे तो वो मज़ीद ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी और फिर वो फाइट करेगी तो आपके लिए टेंशन बनेगी फिर। तो इसलिए पहले कैट को लेके आएं, उसको साथ टाइम स्पेंड करें थोड़ा, ताकि उसको पता चले कि आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके सामने जो सा एक कैट के साथ रखें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह करके अगर आपने इकट्ठे ही रखना है, जैसे मैंने इस रूम में सब कैट्स इकट्ठे रखे हैं और इस रूम में इस टाइम मेरे पास 13 कैट्स मौजूद हैं, तो वो सब इकट्ठी रह रही हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम डिफरेंट एज के किटन ला के रखेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो उससे प्रॉब्लम तो कोई नहीं होगा, बस ये है कि जो बड़ी एज वाले हैं वो ज़्यादा खा लेंगे, छोटी को मौका कम मिलेगा, ये है। तो आप इस तरह करें कि आपने बर्तन ज़्यादा रख लेने हैं ताकि हर एज के किटन को मौका मिले। अक्सर होता है ना कि एक दो बर्तन होता है, उसमें आपने कोई उसका फीड वगैरह, खाना वगैरह डाल दिया, तो सब जो बड़ी कैट्स हैं वो आके तो खाना खाना स्टार्ट कर देती हैं और वो जो छोटे किटन हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो बर्तन अगर ज़्यादा होंगे किटन के हिसाब से, अगर पर किटन आप दो बर्तन रखेंगे तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इससे हर किटन को जो है ना प्रॉपर फूड जो है ना वो मिलेगा और एक टाइम पे मिलेगा। और खाना हर वक्त नहीं डालना चाहिए, कि हर वक्त इनके सामने नहीं रहना चाहिए, दिन में जो सा है वो दो टाइम जो सा मैं तो डालता हूँ, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम, इसके अलावा मैं नहीं डालता। और अगर मेरी टाइमिंग बिल्कुल सेट यही रहेगी तो ये कैट्स को भूख भी लगेगी, और जब इनको भूख लगती है तो इनका खाना जल्दी हज़म होता है और ये ठीक रहती हैं। तो भूख भी इनको लगवाना है, इनको ये नहीं कि हर वक्त खिलाते रहना है, तो इससे अनफिट हो जाता है हर वक्त खिलाने से किटन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि हम अपने किटन को दूध पिला सकते हैं या नहीं पिला सकते, मिल्क इनके लिए अक्सर लोग कहते हैं कि नुकसानदेह है, तो क्या बात ये ठीक है कि गलत है। तो मिल्क के बारे में हम आपको बता दूं कि मिल्क जो सा है वो कहते हैं इनके लिए स्लो पॉइजन है, यानी कि इनका स्टमक ख़राब कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता इनका स्टमक वीक कर देता है। हर कैट का नहीं करता, हर कैट का अपना एक सिस्टम होता है,
तो कुछ कैट्स होती हैं जिनको एलर्जी होती है, तो आप चेक करें कि आपने अगर कैट को मिल्क दिया है उससे उसका पेट वगैरह ख़राब नहीं हुआ, आप डेली दे रहे हैं पेट वगैरह ख़राब नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने कभी भी प्योर दूध किसी भी कैट को नहीं देना। ये जो गाय का दूध होते हैं ह्यूमंस पीते हैं तो उसको आपने डाइल्यूट कर देना, यानी कि उसके अंदर पानी मिक्स कर देना। एक हिस्से या दो हिस्से अगर दूध हो तो दो ही हिस्से आपने पानी डाल देना है। इस तरह जो है उनको कोई मसला नहीं होगा उनको, और पानी मिला हुआ दूध जो है इनको पिलाना है, प्योर दूध जो है वो आपने नहीं पिलाना। किटन्स को भी और बड़ी कैट्स को भी ऐसे ही करेंगे, थोड़ा वो ज़्यादा पानी भी उनके अंदर जाएगा जिससे वो डिहाइड्रेटेड जो है वो नहीं होंगी, उनके अंदर पानी की मकदार ज़्यादा रहेगी तो वो कैट आपकी ठीक रहेगी, उसका फर भी जो है ना वो ठीक रहता है। जो कैट्स पानी कम पीती हैं उनके बाल ज़्यादा उतरते हैं। और अब गर्मियों में तो बहुत से व्यूअर्स जो से वो ये क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि इनके बाल बहुत ज़्यादा उतरते हैं, तो ये नेचुरल है। गर्मी जब इनको लगती है तो वो ये अपने बाल जो से इनके थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं इनका फर, और ये बाल उतार देते हैं और थोड़ी सी जो से ना वो कमज़ोर फील करती हैं। गर्मियों में खाना भी कम खाती हैं। मेरी कैट सर्दियों में 3 टाइम खाना खाती हैं लेकिन गर्मियों में सिर्फ 1 टाइम कर देती हैं। मैं सुबह के टाइम जब खाना डालता हूँ शाम के टाइम पे आता हूँ तो वो खाना नहीं खा रही होती। तो मैंने क्या किया, अब थोड़ी सी मकदार कम कर दिया खाने की ताकि वो शाम के टाइम भी जो है वो प्रॉपर खाना खा सकें। तो अभी मैंने आपके सामने इधर खाना डाला था वीडियो के स्टार्ट में, कैट्स जो सी वो खा रही थी, अभी खा लिया, अब उतना डाला जितना ये इजीली जो है 1 टाइम पे खा लें, कोई भी चीज़ नहीं बची वहाँ पे, सफाई कर दिया बिल्कुल इन्होंने। तो इस तरह करके आपने अपनी कैट को जो है वो खाना वगैरह खिलाना है। और आजकल जो सा है वो कुछ अक्सर कस्टमर पूछते हैं कि हमें जो हमारी जो किटन है उसके बाल उतर हैं, उसके फर जो सी है वो बिल्कुल कोट ही उतर है पूरा का पूरा, तो क्या ट्रिम करवा लेना चाहिए? तो ट्रिम करवा लें अगर ऐसी सूरत होती है कि बिल्कुल ही कोट जो सा वो ख़राब हो जाता है तो फिर आपको ट्रिम करवा लेना चाहिए, वरना अगर आप नहीं करवाएंगे तो भी वो उतर जाएगा, खुद ब खुद उतर जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा जो आपको इरीटेट करेगा। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है, वो जो पूछा जाता है कि हमने सीरिलैक जो है वो किटन को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उसके अलावा दही दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, उसके बाद ब्रेड जो सी होती है वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो मैं बता दूं कि जो दही होता है ना वो किटन के लिए नुकसानदेह होता है, वो आपने इनको नहीं देना। उसके बाद ब्रेड भी नहीं देनी, ब्रेड के अंदर भी यीस्ट होता है, वो आपने किटन को नहीं देना। उसके बाद आपने जो सा है सीरिलैक वो आप दे सकते हैं सीरिलैक, लेकिन वो भी अगर दूध में डाल के देंगे तो डबल डोज हो जाएगी जो किटन का स्टमक ख़राब कर देगी। अगर सीरिलैक देना ही है तो उसको पानी में डाल के जो सा ना वो आपने हल्का सा उसको बना के देना है, या फिर बहुत ज़्यादा पानी वाला मिल्क जो सा है जस्ट फ्लेवर के लिए अंदर डालना है, बाकी वो जो सा सीरिलैक होगा वो पानी से ही बना होगा, थोड़ा सा कुछ चम्मच जो सा फ्लेवर के लिए उसमें आप मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो ये थे आज के कॉमन क्वेश्चन, और अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन जो सा वो करता रहूँगा ताकि आपको जो सा वो इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँ लोगों के बारे में, क्या लोगों के माइंड में क्वेश्चन है तो उस हिसाब से मैं आपको देता रहूँगा। और एक लास्ट पे जो सा वो मैं एक बात करता जाऊँ कि गर्मियों में किटन्स कम खाते हैं, कैट्स कम खाती हैं, तो आपने उनको मल्टीविटामिन सिरप देना है, वही सिरप जो आप बच्चों को अपने छोटे बच्चों को देते हैं, ट्राइमेटाबोल हो गया, विंडालिन एम हो गया, ये जो इस तरह के मल्टीविटामिन्स होते हैं वो जो आप खुद भी खाते हैं अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, इस तरह इनको भी विटामिन्स देंगे तो ये हेल्दी रहेंगे। तो वो आप दे सकते हैं, जो आप खुद खाते हैं वही विटामिन्स इनको आप दे सकते हैं। तो अगर आप फुल टैबलेट खाते हैं तो इनको आधी टैबलेट दे दें, फुल भी देंगे तो इनको इतना कोई इश्यू नहीं होगा। तो विटामिन जो से वो स्टार्ट करें, गर्मियों का मौसम है तो कैट्स जो सी हैं उससे हीट अप नहीं होती, कूल रहती हैं ज़रा विटामिन से और हेल्दी रहती हैं। और लास्ट में मैं एक और बात करना चाहूँगा कि अक्सर मेरे फ्रेंड्स अब ये कह रहे हैं कि आपका चैनल का नाम है कैट्स एंड बर्ड्स क्लब, तो बर्ड्स की वीडियो आप नहीं बना रहे, तो कुछ गर्मी की वजह से जो सा मेरा अब निकलने को दिल नहीं कर रहा, एक फार्म पे भी जो सा परिंदे जो से कम कर दिए हैं तो इस वजह से नहीं बना रहा था, लेकिन अब मैं बहुत से न्यू जो से बर्ड्स लेके आया हूँ, उसमें सिल्की है, उसमें लाइट सेक्स है, उसमें एस्ट्रोलॉप है, उसमें प्लेमाउथ है, तो इस तरह करके इन पर भी मैं आप जो सा वीडियो स्टार्ट करूँगा बनाना।
तो इंशाल्लाह फिर एक कैट की वीडियो और एक बर्ड की वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड किया करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को किटन चाहिए या बर्ड्स वगैरह चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो या कैट्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।